सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में आज शाम 6 बजे कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बैठक में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति भी अपना सकती है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर नाम तय हो जाएंगे, जिसमें पुराने और नए चेहरों का समावेश भी होगा। वहीं बड़े नेताओं का भी नाम सूची में शामिल होगा। तो अब कांग्रेस की बारी है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस की बारी है। सबको कांग्रेस की सूची का इंतजार है। आज कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में शाम 6 बजे से होने वाली है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो शामिल रहेंगे। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चिंतन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मुहर भी लग सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, ये सारे तमाम बड़े दिग्गज जो है छत्तीसगढ़ के, वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी सूची जारी कर चुकी है, अब सबको कांग्रेस की सूची का इंतजार है, प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगातार जो है मंथन विचार विमर्श किया जा रहा है। अब आज केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे को होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होने सकता है? प्रत्याशियों के नामों को लेकर चिंतन मंथन तो किया जाएगा, लेकिन क्या आज प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी या वापस से मंथन चिंतन ही होगा? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की आज देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम दिग्गज नेता जो है इस बैठक में शिरकत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हो सकता है वर्चुअली इस बैठक से जुड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो है इसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। और सीधे तौर पर बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों को लेकर किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रत्याशियों का चयन किया जाए उसको लेकर मंथन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है पहले हो चुकी है, उसमें तमाम जो पैनल है वो तैयार कर लिए गए हैं और पैनल अब जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखे जाएंगे और उन पैनल में से किसको लेकर जो है अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी वो आज जो है कहीं ना कहीं तय होता हुआ जो है नजर आएगा। और आज की बैठक में हम ये मानकर चले कि अंतिम मोहर जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो है कई सीटों पर लगती हुई नजर आ सकती है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की भी बात करें तो उसको लेकर भी जो है कई सीटों पर जो है अंतिम मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद कभी भी कांग्रेस की बात करते हैं तो 10 तारीख तक कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में जो प्रत्याशियों का ऐलान है वो करती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 195 जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार दिए, तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार पिछले दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो अलग अलग राज्यों की लेकर जो है करती हुई नजर आ रही थी और अब जो है वो तमाम जो अलग अलग राज्यों के पैनल बनाए गए हैं वो अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और उस पर अंतिम मोहर जो आज केंद्रीय चुनाव समिति लगाती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी। जी बिल्कुल, स्पर्श, आपसे एक और चीज हम समझना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो अब लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है किन चेहरों पर दांव खेलते हुए नजर आ सकती है? बड़े चेहरों को तो वो उतारेगी, क्या नए चेहरों को भी मौका देगी? और देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो कांग्रेस जो है इस बार पूरी तरीके से जो है तमाम रणनीतियों को साधते हुए जो है मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके का झटका खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस को देखने को मिलता हुआ नजर आया था और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ऐसे मान रही थी कि वो जीतती हुई नजर आएगी, लेकिन
दोनों राज्य जो है कांग्रेस हारती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आई थी। ऐसे में कई सारे नाम जो है वहां पर निकलकर सामने आ रहे। भूपेश बघेल को कांग्रेस चुनाव लड़ाती हुई नजर आ सकती है, ताम्रध्वज साहू वहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, इसी तरीके से दीपक बैज जो है मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। यानी एक कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। बड़े चेहरे तो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ओबीसी चेहरों को ध्यान में रखकर जो है टिकट विक्रम जो है करती नजर आई है। पूरा क्राइटेरिया जो है क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, जातीय समीकरण की बात की जाए, तमाम समीकरणों को साथ कर जो है कांग्रेस आज जो है अपनी जो टिकट विक्रम है उसका अंतिम मोहर जो है लगाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इतना तो तय है कि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको करारी हार मिली है तो लोकसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा सक्रिय है, काफी ज्यादा चिंतन मंथन कर रही है। उसी को लेके आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। देखने को रहेगा कि इस बैठक का नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया।